किसान भाइयों, आइए हम जानते हैं कि सब्जी फसल में उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं और उसमें कैसे कैसे उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी ये सीजन रबी का है। इस रबी के सीजन में आप बढ़िया ढंग से सब्जी खेती तो करते हैं, लेकिन उसमें उर्वरक का अच्छे ढंग से ध्यान देना जरूरी है कि आप जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो उससे उत्पादन पर उसका असर पड़ेगा। तो हमारी ज़मीन में उर्वरक की मात्रा जो है कम है, इसमें खाद की मात्राएं कम रहती हैं, तो हमें ज़्यादा सचेत रहना है क्योंकि हमारी जो ज़मीन है यह ज़्यादा उर्वर नहीं है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये सीजन में अभी आलू है, टमाटर है, बैंगन है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और उसके साथ साथ गाजर, मूली, पालक, इन सब चीज़ों की खेती की जाती है जो हमारे झारखंड में। तो प्रमुखता से अभी आलू की खेती की जा रही है। तो आलू एक ऐसा फसल है जिसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इसमें उर्वरक की मात्रा भी ज़्यादा लगता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो लगभग नाइट्रोजन जो है 120 किलोग्राम लगता है और फास्फोरस इसमें 80 किलोग्राम और पोटास 120 किलोग्राम और साथ साथ सल्फर भी इसमें 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। तो इतना अगर हम उर्वरक की मात्रा वहाँ उपलब्ध करा देते हैं तो हमको लगभग 300 से लेकर के 350 कुंतल उपज प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप आलू के लिए ये ध्यान रखें कि आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके साथ में 80 किलोग्राम फास्फोरस और साथ साथ उसके में पोटास की मात्रा जो है लगभग 100 किलोग्राम रहना चाहिए, 24 किलोग्राम आपका जो है ये सल्फर की मात्रा रहनी चाहिए। दूसरा है टमाटर है, बैंगन है और साथ साथ जितने फूल गोभी, पत्ता गोभी है, इसके लिए भी उत्पादन में दो तरह से है। एक तो इम्प्रूव वेराइटी है, एक जो है हाइब्रिड है। इम्प्रूव में आप लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास और अगर आप हाइब्रिड करते हैं तो ये जो है जैसे टमाटर है, बैंगन है, आप जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसमें आपको जब हाइब्रिड करेंगे तो वहाँ 200 किलोग्राम नाइट्रोजन रहेगा, आपको 150 किलोग्राम जो है आपको फास्फोरस रहेगा, 100 किलोग्राम पोटास रहेगा। इस विधि से करते हैं तो आपको उत्पादन का अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगा। तीसरा ग्रुप आता है कि जिसमें ये गाजर है, मूली है और ये साथ साथ उसमें फ्रेंच बीन है और दूसरे जैसे कि कभी कभी आप लोग जो है खरीफ में भी लगाते हैं, वो लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा सामान्य है तो 100 किलोग्राम और फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम और पोटास जो है 50 किलोग्राम। अगर हाइब्रिड के केस में जाते हैं आप यहाँ पर करने के लिए कुछ जैसे गाजर है या मूली है तो वहाँ पर आपको ये जो 100 किलोग्राम था वो 200 किलोग्राम हो जाएगा और उसके साथ साथ फास्फोरस की मात्रा आपका जो है लगभग 150 किलोग्राम और पोटास जो है 100 किलोग्राम रह जाता है। और जब आप जो है केवल पालक करेंगे या नेनुआ है, झींगी है और ये आपका कद्दू है, कुमड़ा है, तो यहाँ पर 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और 45 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास। लेकिन आपको करेला है, आप जो है खीरा है और झींगी है तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और बोदी है या आपका फ्रेंच बीन है, मटर है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर ले जाएंगे लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। ये तो रासायनिक उर्वरक की बात थी। तो जब भी रासायनिक उर्वरक देते हैं तो उसमें फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो है आपका 1/3 मात्रा, कहीं कहीं पर जो है हाफ देते हैं। और जब उसकी जो है बुआई वुआई ख़त्म हो जाती है, निकाई हो जाती है, तो पुनः जो है नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं 1/3 और लास्ट में जो है जब आप उसमें फूल आने का टाइम हो जाता है तो वहाँ पर 1/3 की मात्रा दे देते हैं।